हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स। दिस इज़ कीर्ति मैम एंड टुडे आई विल टेक अ क्लास 7th एंड द सब्जेक्ट इज मैथ्स। आज बच्चों क्लास 7th को मैं सेकेंड चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2B मैं स्टार्ट करूँगी। उससे उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देती हूँ। ये नियम घातांकों का नियम है और पहला नियम इस प्रकार है कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन, इसका मतलब कि आधार एक समान हो और घातीय अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है a की पावर m और a की पावर n। यहाँ पर a जो है वो सेम आधार है, मतलब सेम बेस है, और पावर्स यानी कि जो इसकी घात हैं वो अलग अलग है, m और n। ऐसी सिचुएशन में जब इन दोनों ही संख्याओं को गुणा किया जाता है तब इनकी बेस एक हो जाता है और इनकी घात जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो हो जाता है a m प्लस n। तो फॉर्मूला इस प्रकार है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। इसी प्रकार नियम दो है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग। अब पहले हमने गुणा करा था और दूसरी घातीय संख्याओं का भाग करना है। तो यहाँ पर a की पावर m अगर डिवाइड होगी a की पावर n से तो इनकी जो घात होती है वो एक दूसरे से सब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है। तब ये हो जाती है कि a की पावर m माइनस n। तीसरा नियम है a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि कोई भी नंबर अगर उसकी घात 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। नियम 4, अगर किसी घातीय संख्या का गुणा अगर उसकी एक और घात लगी हो, यानी कि a की पावर m की होल पावर n हो, तब ये घातें एक दूसरे से गुणा होती हैं। जैसे कि यहाँ पर a की पावर m की होल पावर n है तो यहाँ पर a की पावर m गुणे n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो घात होती हैं वो एक दूसरे से गुणा हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नियम 5 है, a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू b की पावर m। इसका मतलब ये है कि अगर आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं तब इनको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि इनको हम a इंटू b की होल पावर m एक साथ लिख सकते हैं। नियम 6 है, a की पावर m अपॉन b की पावर m बराबर a अपॉन b की पावर होल m। ये नियम 5 और नियम 6 ये गुणन पे मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है और ये डिवाइड पे बेस्ड है। तो यहाँ पर इसमें भी सेम इसी प्रकार होता है कि a और b दोनों अलग अलग घात आधार हैं और इनकी घात समान है, तो इनको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि a अपॉन b की पावर m के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ घातांकों के 5 नियम आज मैंने आपको बताए हैं, जिसके क्वेश्चंस मैं कल आपको करवाऊंगी। ये सारे नियम आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।